हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी. दिस इज़ मी शेली. एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो पिछले 2 साल से बहुत कम थी, बट अब जैसे कि बच्चों के स्कूल रेगुलरली खुल गए हैं तो डेली ये टेंशन रहती है कि बच्चों को टिफ़िन में क्या पैक करके दें जिसको बच्चे पसंद भी करें और जो क्विक और ईजी भी हो और बहुत ही कॉमनली उसके इंग्रीडियंट्स भी मिल जाएँ. तो मैं ऐसे ही आज 15 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मैं बेसिकली इस वीडियो में ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगी. अगर आप उसमें से किसी भी स्पेसिफिक आइटम की रेसिपी चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. ये सारे ही चीज़ें ऐसी हैं जो दर्श को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं. हालांकि दर्श लंच लेकर नहीं जाता क्योंकि उसको स्कूल में ही मिलता है, बट ये सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं उसके ब्रेकफास्ट के लिए या जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए. तो आई होप कि आपको पसंद आएंगी. एंड इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में आपके साथ एक ऐसे 5 हैक भी शेयर करूँगी जिनको यूज़ करके आप बच्चों के टिफ़िन को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आएगा. तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए. नाउ फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे ईजी और कॉमन आइटम की, विच इज़ सैंडविच. तो बच्चों को सैंडविचेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं एंड सैंडविच में आप इतनी सारी वैरायटी बना सकते हैं, लाइक ग्रिल सैंडविच, वेज सैंडविच, चीज़ सैंडविच. इसके अलावा सैंडविच के अंदर आप कुछ भी भर के दे सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि बच्चा उसको खाए अलॉन्ग विद कुछ उसके फेवरेट आइटम. तो सैंडविच बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के बच्चे के लंच बॉक्स में पैक करके रख सकते हैं अगर बच्चा काफ़ी छोटा है तो, और बच्चे उसको बहुत ही इंजॉय करते हैं. नेक्स्ट आइटम है पराठा. तो स्टफ़ पराठा एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अगेन आप कुछ भी भर सकते हैं. ऑब्वियसली प्लेन पराठा बच्चों को इतना पसंद नहीं आता है तो आप पराठे के अंदर सब्जी भर के दे सकते हैं. आलू का पराठा है, प्याज का पराठा है, इवन आप पराठे को पिज़्ज़ा स्टाइल में बना सकते हैं, लाइक पराठा बना के उसके ऊपर थोड़ी स्टफिंग रख के उसको दोबारा से सेक सकते हैं जिससे कि वो पिज़्ज़ा के जैसा लुक आता है उसका. उसके बाद चीज़ भी डाल सकते हैं और उसको आप स्मॉल पीसेस में बच्चे के लंच में पैक कर सकते हैं. ये भी बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी तो होता ही है. नेक्स्ट आता है चीला. तो अगेन चीला में भी यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक तो आप किसी भी चीज़ का चीला बना सकते हैं, सूजी का, बेसन का, रागी का, मूंग दाल का. अगेन चीला में आप कुछ भी वेजिटेबल डाल सकते हैं. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसके अंदर नॉन वेज भी डाल सकते हैं. हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग उसमें सब्जी ही डालते हैं और चीला भी सब्जी डालने के बाद इतना सुंदर लगता है. इसके अलावा चीले का आप रोल भी बना सकते हैं, लाइक चीले के अंदर आप पनीर की स्टफिंग फिल करके उसका रोल बना के बच्चे को दे सकते हैं रैप के जैसा, वो भी काफ़ी टेस्टी और हेल्दी होता है. नाउ आता है हमारा और दर्श का फेवरेट, विच इज़ पैनकेक. तो हम जनरली फ्रूट पैनकेक बनाते हैं, हम नॉर्मल पैनकेक नहीं बनाते हैं और मैं विदाउट एग बनाती हूँ. और मैं उसमें हमेशा मिल्क, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखती हूँ और मैं उसको चेंज करती रहती हूँ, कभी एप्पल, कभी बनाना, कभी मैंगो, डिपेंडिंग ऑन कि क्या सीज़न चल रहा है. और उसमें दर्श जनरली ड्राई फ्रूट वैसे खाना पसंद नहीं करता है, बट इसके अंदर वो बहुत ईजिली ड्राई फ्रूट किसी भी टाइप का खा लेता है. और मैं इसमें हनी या जैगरी यूज़ करती हूँ, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी स्वीट यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से जो फ्रूट पैनकेक होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्विक ऑप्शन है बच्चों को लंच में पैक करके देने के लिए. नेक्स्ट आता है उत्पम. तो उत्पम की प्रिपरेशन आप या तो रात को करके रख सकते हैं या आप सूजी का भी बना सकते हैं. सूजी का उत्पम भी बहुत ईजिली बन जाता है. आप वेजिटेबल उत्पम बना सकते हैं या पनीर उत्पम बना सकते हैं. ये भी बहुत सिंपल होता है, इसकी रेसिपी भी आपको कहीं भी मिल जाएगी. अगर आपको हमारे चैनल पर आप चाहते हैं इसकी रेसिपी देखना तो मुझे बता दीजिए, मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी. बट उत्पम भी एक काफ़ी अच्छा, ईजी और हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए. नेक्स्ट आता है राइस. तो राइस की आप एंडलेस ऑप्शन बना सकते हैं. खिचड़ी है, वेजिटेबल पुलाव है, इसके अलावा फ्राइड राइस है. तो आप राइस के, टमाटो राइस है, मल्टीपल ऑप्शन बच्चों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देने के लिए. आप उसको कर्ड या योगर्ट के साथ बच्चों को दे सकते हैं. राइस के भी आई थिंक ये सारे ही ऑप्शन इतने देखने में इतने ब्यूटीफुल लगते हैं कि बच्चे इसको बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देते हैं. नेक्स्ट आता है पास्ता. तो आप बच्चों के लिए पास्ता भी लंच में प्रिपेयर कर सकते हैं. पास्ता के भी आप मल्टीपल वेरिएशंस बना सकते हैं. अगर आपको वेरिएशंस भी नहीं बनाने हैं तो भी सिंपल जो मैक्रोनी पास्ता होता है उसको बच्चे के लिए बनाकर रख सकते हैं. उसमें भी आप वेजिटेबल डाल सकते हैं उसको और भी हेल्दी बनाने के लिए. नेक्स्ट आता है रोटी. तो रोटी आप बच्चे को सिंपल मत दीजिए क्योंकि सिंपल वाइट रोटी बच्चों को उतनी अपीलिंग नहीं लगती है. आप आटे के साथ पालक मिक्स करके, बथुआ मिक्स करके, मेथी मिक्स करके या बीट रूट मिक्स करके इस तरीके से आप रोटी को थोड़ा कलरफुल बना सकते हैं और आप उसको बच्चे की जो भी फेवरेट सब्जी है, पनीर भुर्जी है, जीरा आलू है, कोई भी जो सब्जी बच्चे को पसंद है उसके साथ उसको रोटी सब्जी दे सकते हैं. इसके अलावा आप यहाँ पर उस रोटी का रैप भी बना सकते हैं, उस रोटी सब्जी का, ताकि बच्चों को वो थोड़ा
अपीलिंग लगे, आप उसको डिफरेंट शेप में थोड़ा ट्रायंगल सा काट के, जैसे स्प्रिंग रोल को काटते हैं उस तरीके से काट के बच्चे के लंच में पैक कर सकते हैं, तो बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। नेक्स्ट तीन ऑप्शन बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी हैं, विच इज़ वर्मिसली यानी कि जवे। तो अगेन जवे आप प्लेन बना सकते हैं, वेजिटेबल डाल के बना सकते हैं, योर चॉइस। बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी जगह पे उनको नमकीन सेवई भी बोला जाता है, तो वो आप बना सकते हैं। पैकेट उसका आता है, भुने भुनाए जवे मिलते हैं, तो आपको बनने में बहुत ही ईजिली और क्विकली बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है पोहा। अगेन पोहा भी आप उसमें भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी बन जाता है, काफ़ी लाइट होता है और वो भी बच्चे अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, बच्चों को पसंद आता है। आप जो भी इस तरीके से चीज़ें बनाएं, आप ट्राई कीजिए कि उसमें कोई भी एक इंग्रेडिएंट ऐसा ज़रूर डालें जो बच्चों को पसंद हो। जैसे दर्श को पीनट्स बहुत पसंद है, तो हम पोहे में हमेशा पीनट ज़रूर डालते हैं, या उसको पीस पसंद है तो हम वर्मिसली में पीस ज़रूर डालते हैं। तो इस तरीके से आप एक इंग्रेडिएंट ऐसा ज़रूर डालिए जो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता हो। नेक्स्ट है उपमा। तो उपमा हम जनरली सूजी का बनाते हैं, वो भी दर्श को बहुत पसंद आता है, बट आप अगर किसी और वैरायटी का बनाना चाहते हैं तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगेन उपमा भी अगर आप वो थोड़ा कलरफुल सा बनाएंगे तो वो भी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है इडली या अप्पे। तो इडली या अप्पे आप रात को बना के रख सकते हैं, अगेन यहाँ पर भी आप उसको कलरफुल बना सकते हैं, लाइक उसमें बीट रूट डाल सकते हैं या मटर पीस के डाल सकते हैं या कैरेट डाल सकते हैं, और आप सुबह को बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से इडली और अप्पे भी बच्चों को फिंगर फूड की तरह खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और ईजी भी रहते हैं। नाउ बात करते हैं एक नेक्स्ट एंड ट्रेडिशनल रेसिपी की, विच इज़ छोले राइस या राजमा राइस या दाल राइस। तो ये भी बच्चे इजीली खा लेते हैं, और इसके अलावा ये बच्चों के लिए हेल्दी तो होता ही है और वेजिटेरियन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है बच्चों को प्रोटीन इनटेक का। तो ये भी आप इंश्योर कीजिए कि आप वीक में एक या एटलीस्ट दो बार बच्चों को एक गुड प्रोटीन डाइट दें, चाहे नॉन वेजिटेरियन है चाहे वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे आपका राजमा राइस, छोले राइस या दाल राइस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है पूरी सब्जी। तो अगर आपके बच्चों को पूरी कम पसंद है तो अगेन पूरी में भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे आप कचौड़ी बना सकते हैं, मटर की पूरी बना सकते हैं, दाल की कचौड़ी बना सकते हैं। इस तरीके से आप पूरी सब्जी कोई भी जो भी बच्चे को पसंद है, जनरली आलू की सब्जी ज़्यादा चलती है पूरी के साथ, तो आप पूरी और आलू की सब्जी बच्चों को दे सकते हैं। नाउ है लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15th रेसिपी, विच इज़ बर्गर। तो अगेन आप छोटे वाले बन बच्चों के लिए ला सकते हैं, या अगर आप बड़ा बन भी ला रहे हैं तो आप उसको छोटे पीसेस में काट के बच्चे के टिफिन में रख सकते हैं, उसका बर्गर बना के। अगेन बर्गर में भी आप कुछ भी सब्जी डाल दीजिए, बच्चे सब कुछ खा लेते हैं। इवन जो ऐसी सब्जियाँ हैं जो बच्चे नॉर्मली नहीं खाते हैं, आप उनकी टिक्की बना के बच्चे के लिए बर्गर में बना सकते हैं। यहाँ पर आप टिक्की रात को बना के रख सकते हैं, या रात को बिना सीखी टिक्की बना के फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह को फटाफट से उस टिक्की को फ्राई कीजिए और बर्गर में लगा के बच्चे को दे सकते हैं। तो बर्गर तो आई थिंक ऐसा कोई बच्चा नहीं हो जिसको बर्गर पसंद ना आता हो, तो बर्गर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को न्यूट्रिएंट्स छुपा के खिलाने का। तो ये तो हो गए 15 रेसिपीज़ जो आप बच्चों को अदल बदल के दे सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं ऐसे 15 हैक्स की, और मैं इसके अलावा भी आपको कुछ बोनस रेसिपीज़ बताऊंगी जो आपको उन हैक्स को फुलफ़िल करने में हेल्प करेंगी, और जिससे कि आप ये इंश्योर करेंगे कि आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी डाइट डेली बेसिस पे ले रहा है इन हिज लंच। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हैक की, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली बच्चों की ग्रोथ के लिए। वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से न्यूट्रिएंट ले, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स या फूड ज़रूर खिलाएं, और उसके लिए आप एक बच्चे के लिए बच्चे की एज अप्रोप्रिएट एक मल्टी कंपार्टमेंट वाला लंच लीजिए। उससे ये फ़ायदा रहता है कि लेट्स सपोज अगर उनके लंच में 3 या 4 कंपार्टमेंट हैं, और आप ये इंश्योर करेंगे कि डेली वो उन चारों कंपार्टमेंट में, उन तीनों कंपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जा रहा है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। इससे बच्चा थोड़ा थोड़ा हर वैरायटी की चीज़ें खाएगा, वो खाना खाना सीखेगा, अलग अलग डिफरेंट टेस्ट उसको मिलेंगे और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसको मिलेंगे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, इसको आप ट्राई कीजिए। अगर बच्चा बड़ा है तो आप जो डिफरेंट कंपार्टमेंट एक के नीचे एक लगते हैं वो वाला लंच ले सकते हैं, बच्चा छोटा है तो जिन टिफिन में ऐसे करके कंपार्टमेंट होते हैं वो वाला लंच ले सकते हैं। और जो मैं आपके साथ नेक्स्ट 15 आइडिया शेयर करने वाली हूँ वो इन एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट के फिल करने के लिए ही है। नेक्स्ट हैक है, आप अगर बच्चे को पराठा दे रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि उसको सिर्फ और सिर्फ आलू का ही पराठा आप रिपीट कर रहे हैं। आप उस पराठे में थोड़ा वेरिएशन डाल सकते हैं ताकि बच्चे एक ही चीज़ खा के बार बार बोर ना हो जाए। बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको खाने को लेकर एक्साइटमेंट बना रहे। तो आप जो भी बच्चे को बना के दे रहे हैं आप उसके वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। नाउ अगर आप बच्चे को मल्टीपल कंपार्टमेंट्स में खाना दे रहे हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि अलग अलग कंपार्टमेंट में एटलीस्ट 2 या 3 कलर टोटल हो जाएं, ताकि बच्चे जैसे उस लंच बॉक्स को ओपन करें उनको वो इतना अपीलिंग लगे, इतना कलरफुल लगे
कि वो उसको खाने के लिए पहले से ही एक्साइटेड हो जाएं। एंड इसके अलावा आप अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अगर आप कुछ भी सीजनिंग अगर कर रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि वो डिफरेंट टाइप के सीड से कीजिए, जैसे सिजैमे सीड्स है या जो खरबूजे के बीज होते हैं, सीजन में जैसे कि तिल होते हैं या वाटरमेलन के बीज होते हैं, उनसे क्या होता है उनमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होता है, बच्चे को पता भी नहीं लगता है, वो उनको सीजनिंग की तरह वो डले होते हैं, वो देखने में भी सुंदर लगते हैं, बच्चे उनको इजीली खाने के ऊपर अगर वो पड़े होते हैं तो खा भी लेते हैं। इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के लंच में जो भी पैक कर रहे हैं वो उसका साइज इतना बड़ा हो कि बच्चा उसको ईजिली खा सके। जैसे आप पराठा या पूरी दे रहे हैं तो आप उसको पीसीज में तोड़ के रखिए, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर वो बच्चा उसको ठीक से तोड़ ही नहीं पाएगा तो उसको खाने में प्रॉब्लम होगी और फिर वो उसको परेशान होकर छोड़ देगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जो भी खाना पैक कर रहे हैं वो बच्चे को खाने में भी ईजी हो, बाइट साइज पीसीज में आप उसको रखिए। नेक्स्ट हैक है उन बच्चों के लिए जिनका लंच कभी फिनिश नहीं होता है, वो हमेशा तो किसी को खिला के आते हैं या एज इट इज़ वापस लेकर आते हैं, वो ये कि आप बच्चे के लंच में एक ऐसा आइटम ज़रूर रखिए जो बच्चे का फेवरेट हो, चाहे वो जंक ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक आइटम इंश्योर करेगा कि बच्चा अपने टिफ़िन को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और आप उसको ये बता भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो उसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, तो एक आइटम बच्चे के लंच में बच्चे का फेवरेट ज़रूर रखिए। नाउ हम बात कर लेते हैं कि उन एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट पे आप क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे बेसिक और कॉमन ऑप्शन जो काफ़ी हेल्दी भी रहता है, विच इज़ योगर्ट या कर्ड। तो फ्लेवर्ड योगर्ट आती है, आप उसका पैकेट रख सकते हैं, कर्ड का पैकेट रख सकते हैं अगर बच्चे को कर्ड पसंद है तो। इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप रख सकते हैं, जैसे ऑरेंज है तो आप ऑरेंज को पील करके रखिए, आप ग्रेप्स रख सकते हैं, बेरीज रख सकते हैं, तो जो भी सीजन के फ्रूट्स हैं वो आप एक कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। इसके अलावा आप फ्राइड नट्स रख सकते हैं या ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, फ्राइड नट्स पे आप हल्का सा मसाला या सॉल्ट डाल के रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा खाने में बच्चे को अच्छा लगे। इसके अलावा आप कोई भी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो रख सकते हैं किसी एक कंपार्टमेंट में। आप वेजिटेबल स्टिक्स रख सकते हैं, आप वेजिटेबल को स्टीम करके या बॉयल करके और वो बच्चे के लंच में रख सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा उसके ऊपर भी अगेन मसाला डाल सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि बच्चा उसको ऐसे नहीं खाएगा तो। जैसे बेबी कैरेट है या ब्रोकली है या पीज है, इस तरीके से जो भी सब्जियाँ आप बच्चे ईजिली खा सकते हैं पीसीज में, आप वो रख सकते हैं बच्चे के लंच में। इसके अलावा सैलेड रख सकते हैं, सैलेड में जो भी आपके बच्चे को सैलेड पसंद है, वो चाहे टमाटर की है, खीरे की है, पास्ता सैलेड है, जो भी बच्चा रेगुलरली घर में खाता है उस टाइप की सैलेड आप बच्चे के लंच में रख सकते हैं। इसके अलावा आप फ्राइड पोटैटो या फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं घर पर बना कर ही, वो भी बच्चे को काफ़ी पसंद आता है। आप ब्राउनी रख सकते हैं या ब्राउनी के अलावा आप जो ब्रिटानिया के केक्स आते हैं वो आप दो या तीन पीसेज रख सकते हैं, कोई स्मॉल डोनट रख सकते हैं। तो ये सेमी कैटेगरी की है तो इसलिए मैं इसको एक ही ऑप्शन में क्लब कर दिया। तो बट ये है कि आप कोई भी एक ऐसा आइटम रख सकते हैं जो चॉकलेट का है, केक जैसा फील है उसका, कोई भी इस टाइप का आइटम आप रख सकते हैं। किसी दिन आप पनीर के क्यूब्स रख सकते हैं या टोफू के क्यूब रख सकते हैं, उनको हल्का सा फ्राई करके उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के या मसाला डाल के आप बच्चे के लंच में पैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कोई भी चिप्स रख सकते हैं, वो बनाना चिप्स हो सकते हैं, पोटैटो चिप्स हो सकते हैं या कोई भी और चिप्स जो मार्केट में भी मिलते हैं, वेफर्स हो सकते हैं, तो वो पूरा पैकेट आपको नहीं रखना है, आपको थोड़े से बच्चे के जो कंपार्टमेंट का साइज है छोटा उसी साइज़ के हिसाब से रखने हैं, जिस बच्चे को अपीलिंग बनाने के लिए लंच बॉक्स को, या इसके अलावा बच्चे को टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप कोई भी वैरायटी के चिप्स रख सकते हैं। इसके अलावा फ्रायम्स रख सकते हैं या चीजलिंग रख सकते हैं, वो भी बच्चों को काफ़ी टेस्टी लगते हैं। बच्चे के लंच में कोई स्वीट भी रख सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट का लड्डू है या बर्फी है या कोई भी और स्वीट जो जो चीज़ें बच्चा दिन में जनरली घर में खाता ही है। आप स्वीट कॉर्न रख सकते हैं, दर्द को तो कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़े से स्वीट कॉर्न रख सकते हैं, वही अगेन उसके अंदर थोड़ा सा बटर और मसाला मिला के तो उसका थोड़ा टेस्ट एनहांस करने के लिए। आप कोई प्रोटीन बार बच्चे के लंच में रख सकते हैं, चीज़ रख सकते हैं बच्चे के लंच में, चीज़ भी आप स्मॉल स्मॉल पीसेज में काट के, जैसे जो चीज़ का स्लाइस आता है आप उसको स्मॉल पीसेज में कट करके रख सकते हैं, वो भी थोड़ा सा सॉल्टेड होता है तो वो भी बच्चे ऐसे ही काफ़ी मज़े से खा लेते हैं। इसके अलावा जो मिल्क शेक के पैकेट आते हैं छोटे वाले, या घर पे भी बना के आप किसी बॉटल में, एक छोटी बॉटल में बना के बच्चे के लंच में रख सकते हैं अगर बच्चे को पसंद है तो, वो भी बच्चे को लंच में पीना काफ़ी अच्छा लगता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बॉटल में या पैकेट में जिस भी चीज़ में रख रहे हैं वो बच्चे के लिए ओपन करके उसको पीना कम्फर्टेबल रहे। तो यही सारे आइडियाज़ थे जो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे ये प्लान करने में कि आप बच्चे के लंच में क्या रखें डेली। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप इन आइडियाज़ को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, या आपको अगर कोई और भी आइडिया चाहिए, किसी की रेसिपी चाहिए तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, या और ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनके बच्चे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम डेली परेशान कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आइडियाज़
रिलेटेड टू किड्स एंड पेरेंटिंग हम आपके साथ शेयर करते रहें बेसिस ऑन आवर एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ नीचे वाला लाल बटन दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।